हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. माय नेम इज आलोक कुमार श्रीवास्तव. आई एम सेंटर मैनेजर अमरापुर थान समिति डीडीयू जीके वाई. आप देख सकते हो हमारे सामने एक कैंडिडेट बैठे हुए, हमारी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि हमारे फर्स्ट बैच की. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. माय नेम इज आलोक कुमार श्रीवास्तव और अभी हमारे सामने एक कैंडिडेट बैठे हुए फीमेल कैंडिडेट्स. उसका नाम है निर्मला साकेत जो कि मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है. आज हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी कि जब से इन्होंने हमारे यहाँ डमिंग लिया और टिल प्लेसमेंट तक, तो थोड़ा सा समरी आप सुनिएगा, खुद बताएगी निर्मला की जुबानी उसकी कहानी. जी निर्मला बताएं. गुड आफ्टरनून. मेरा नाम निर्मला साकेत है जी. मैं रीवा के छोटे से गाँव रही हूँ. जैसे हमको कुछ करना था तो हमारे फ्रेंड यहाँ इस डीडीयूजी के वाई ग्राम समिट से, उन्होंने यहाँ से 5-6 महीने जो भी ट्रेनिंग की रही होगी उसके बाद वो जॉब करने चले गए. अच्छा लगा मुझे, वहाँ सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलती है. फिर इसके बाद हम भी सोचे कि हम भी जाए तो अपने हमारे पापा हमको यहाँ पहुँचाए. तो मतलब ये ट्रेनिंग हमारी 22 अक्टूबर शुरू हुई है जो कि यहाँ 5 महीने कम्प्लीट हुई है. और हम लोग 28 मार्च को चले गए अपने मतलब प्लेसमेंट जगह के लिए. था तो हमारा प्लेसमेंट था हरियाणा गुड़गांव बिलासपुर में. तो हम 1 महीने थे, बाकी कुछ घर मतलब काम कारण हमको वापस आना पड़ा. तो अभी आप छुट्टी पे हैं, फिर जॉब अपने छोड़ दिया? नहीं सर, छुट्टी. आप छुट्टी पे आए हैं और दोबारा जाके ज्वाइन करेंगे? ओके. निर्मला एक बात पूछना था, आपको पीआईए का नाम क्या था जिस पे आपने ट्रेनिंग लिया? ग्रामोत्थान से. बहुत अच्छा. और ट्रेड कौन सा था, किस ट्रेड में आपने ट्रेनिंग लिया? लॉजिस्टिक वेयर हाउस पैकर में लिया होता. अच्छा, आपकी आईडी एनरोलमेंट आईडी आपकी शुरू में आपको सेंटर्स मिले हुए क्या है, जानती क्या? 2079953. वेरी नाइस. और पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी बस ऐसे वर्कर हैं, फल का ठेला लगाते हैं. ठेला लगाते हैं, बहुत अच्छा. तो आपने अभी जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो आपको लगता है कि आपने जो गांव की जिंदगी थी और अभी आप एक जॉब में हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस आया होगा? थोड़ा बताइए. गाँव में इंसान हो गया नॉर्मल, खाना बनाना खाओ, ये जो घर का काम होता था. और जब से यहाँ आया तो हर चीज का मतलब समय से जगना, सोना, पढ़ना, लिखना, हर चीज का थोड़ा शेड्यूल हो गया है. अच्छा, तो आप जो आपके और फ्रेंड्स हैं उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो जो गाँव में हैं और यहाँ पे कुछ अच्छा उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमें सोचते हैं कि जो गांव के मतलब 9 से 10 साल मतलब 10 तक पढ़ी हैं लड़कियाँ, अब गांव में इधर उधर बैठी रहती हैं, घर में कोई काम नहीं है. तो चल चाहते हैं कि वो भी आए यहाँ मतलब ट्रेनिंग दें और वो भी जॉब पे जाएँ, पैसा कमाएं, अपना करियर बनाएं. अच्छा, आपको जो आपने सोचा था ट्रेनिंग लेने पहले, क्या आपको सेंटर ने प्रोवाइड किया उसको? यस सर. आपको जो बताया गया था गांव में जैसे जो सोचा है वो सारी चीजें आपको यहां पे उपलब्ध हुई? यस सर. अच्छा, आपके डोमेन ट्रेनर का नाम क्या था? मिस्टर रणवीर सिंह सर. और आपको डोमेन के साथ में सॉफ्ट स्किल और आईटी भी पढ़ाया गया होगा, तो ट्रेनर का नाम बताइए. सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का नाम हमारे आईटी ट्रेनर है मिस्टर सुधीर तिवारी. ओके. और आपकी सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश ट्रेनर कौन थी? मिस कल्याणी. अच्छा, मिस कल्याणी जी, वही आपको पढ़ाई थी. तो कैसा तरीका था आपके ट्रेनर्स को पढ़ाने का? अच्छा तरीका था. उनकी लैंग्वेज आपको पूरी समझ में आती थी? जो आप चाहती थी वो आपको पढ़ाते थे वो? अच्छा, पूरी जो बुक्स थी आपको समझ में आ गई थी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने कुछ पूछा हुआ उन्होंने आपको डांट दिया? भेदभाव किया आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि सारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चली. अच्छा, फिर मतलब एक बात और बताइए कि आप जो जॉब कर रही हैं, लोकेशन क्या है हरियाणा के, कौन सा लोकेशन आपने बताया? बिलासपुर. ओके. सैलरी क्या है आपकी मंथली? 12,600. अच्छा, 12,600 रुपये, कितनी बढ़िया सैलरी है. अच्छा, जहाँ पे आपको कुछ उम्मीद गाँव में नहीं थी और आपने जॉब ज्वाइन किया और आपको 12,600 रुपये सैलरी मिल रही है. और क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको कंपनी में? बहुत सुविधाएं, मतलब वहाँ बस फ्री रहती है, बस का कोई चार्ज नहीं लगता. अच्छा. और हाँ, एक मतलब कैंटीन में एक टाइम में खाना मिलता है. आपको फूड देता है लंच? यस. आने जाने कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं. आपको पूरा और एक दिन का 3 रुपये लगता है, एक दिन का खाने का. बहुत कम है, तो अमूमन 2-3-400 रुपये लग जाते हैं और एक दिन का 3 रुपये, मात्र 3 रुपये. यस. ओके. यानी कि मंथली 90 रुपये के आसपास मिलता है. अच्छा, एक बात आप सब पूछना चाहूँगा निर्मला, ये जो आप जॉब ज्वाइन जैसे अभी लड़की हैं गांव में, हम देखते हैं कि लड़कियों का जॉब करना यानी कि घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, खासकर रूरल समाज में. तो आप वहाँ से निकली और आप जॉब तक पहुँच गई, यानी कि अपना अपने स्टेट छोड़ दिया, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया, तो घर वालों को कोई इतराज तो नहीं? नहीं, हमारे घर वाले मतलब हमेशा हमको सपोर्ट किए, अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कहीं भी रह सकते. अच्छा, आपको लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं समाज खराब है, दुनिया खराब है, तो आपको कोई इनसिक्योरेंस आपको अभी तक लगी हो जो आप असुरक्षित रहे हो, महसूस की हो? नहीं सर. अच्छा, आप दिल्ली से अकेले आती जाती हैं? यस सर, मैं भी हरियाणा से अकेले ही आई. अकेले आई और आप अकेले ही जाएंगे? अकेले. बहुत अच्छा. तो जो भी लड़कियां आपके समाज में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरह की बातें सोचते हैं कि समाज बहुत गंदा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, महिला है वो,
तो क्या बोलना चाहेंगे उसको? अपने आप मतलब आत्मविश्वास रखना चाहिए, अगर हम ये कर ठाने हैं तो कर लेंगे, बाकी बोलने वाले तो हमेशा से बोलते हैं। अच्छा, आप जो वहाँ पे रहती हैं रूम वूम लेकर के कैसे मैनेज करती हैं? खाना पीना एक टाइम बनाना पड़ रहा होगा आपको, नहाना धोना सब कुछ मैनेज करना, लंच भी जैसे आपको मिलता है तो वन टाइम तो आपको खाना प्रिपेयर करना ही पड़ता होगा, कैसे करती हैं? मिलकर करती हैं कि साथ में करती हैं अकेले? जब अगर एक साथ शिफ्ट हुई तो फिर एक साथ मिलकर कर लेते हैं, और अगर अलग अलग शिफ्ट अपने अपने शिफ्ट में सब कोई बना के खा के जाते हैं। अच्छा, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपने जॉब से बहुत ज्यादा खुश हैं और ट्रेनिंग से भी बहुत खुश हैं। अच्छा, यहाँ के ट्रेनर्स और पूरे स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का स्टाफ ट्रेनर सब बहुत अच्छे हैं। आपके स्टाफ को ट्रेनर आपके सेंटर मैनेजर का नाम क्या था? मिस्टर आलोक श्रीवास। ओके, तो आपको सारी कुछ आते बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते समय, और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा एक सवाल मेरे अंतिम में आपसे, ये जॉब आप कब तक करेंगे? जैसे आप एक लड़की हैं, बहुत सारी फाउंडेशन होती हैं, शादी हो गया और परिवार के रिसेप्शन होते हैं, तो कब तक आप जॉब करेंगे? अब तो सोचा नहीं होगा, करेंगे आप जॉब करेंगे जब तक आपको फ्यूचर बनाना है आपको। ओके, और अभी आपने रिसेंटली कब ज्वाइन किया है? अभी हमारी 28 मार्च में हमने ज्वाइन किया, तो यानी कि मार्च अप्रैल और मई आपका थर्ड मंथ जॉब का चल रहा है। बहुत अच्छा, हमारी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं हम सभी की, और आप यूं ही आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और ये आपका ये वीडियो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स देखेंगे और आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा उनके लिए, और आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।